नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में जाति जनगणना को लेकर। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। एक तरह से कहें कि कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे बिहार में जाति आधारित जनगणना हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। इस पूरे मसले को लेकर बिहार की एक सर्वदलीय टीम पीएम मोदी से भी मुलाकात कर चुकी है, लेकिन इसका कोई खास नतीजा देखने को नहीं मिला। ऐसे में यह कहा जाने लगा कि बिहार को अपने बदौलत जाति आधारित जनगणना करवाना चाहिए। अब जब बिहार में सरकार बदल गई है तो यह कहा जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि प्रदेश में 204 जातियाँ हैं जिनकी गणना की जानी है। राजधानी पटना के साथ साथ प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों से इसको लेकर पहले ही सुझाव मांगा गया है, जिसमें यह बताया गया कि अगर 204 से ज़्यादा जातियां हैं तो इसकी जानकारी आप सरकार को अवश्य दें। बताया जा रहा है कि बिहार में होने वाले जाति आधारित जनगणना में 204 जातियों को गिनती की जाएगी। सामान्य प्रशासन की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि वर्गवार जारी जातियों की सूची के आधार पर ही सभी जिलों के जातियों की गणना होगी। वर्तमान में बिहार में जो जातियां हैं उसके अनुसार अनुसूचित जाति में 22 तरह की जातियां हैं, वहीं अनुसूचित जनजाति के तहत बिहार में 32 जातियां आती हैं, वहीं पिछड़ा वर्ग के तहत 30 जातियों की गणना की जानी है, तो वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में के तहत सबसे ज़्यादा इसी कैटेगरी के तहत जातियाँ हैं, इनकी संख्या है 113 और सबसे कम जातियाँ हैं उच्च वर्ग की, तो मात्र यहाँ पर 7 जातियों की गिनती की जाएगी। को बता दें कि इन्हीं सूचियों के आधार पर बिहार में जाति आधारित जनगणना किया जाना है, जिसमें कि वर्ग के हिसाब से जातियों की गणना की जाएगी। बताया जा रहा है कि जब जाति आधारित जनगणना पूरी हो जाएगी तो इस बात का भी प्रमाण सामने आ जाएगा कि बिहार में कितनी जातियां हैं। फिलहाल इसे 204 बताया जा रहा है। गणना के बाद इसमें बदलाव की भी संभावना देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि गणना के बाद जातियों की संख्या का भी पता चल पाएगा कि इस वर्ग में कितनी की संख्या है। जाति आधारित जनगणना को लेकर अब अधिकारियों को भी तैनाती शुरू कर दी गई है। बता दें कि तमाम जिलों के जिलाधिकारी को जाति आधारित गणना की जिम्मेवारी दी गई है। पटना जिला की बात कर ले तो पटना के DDC की अध्यक्षता में कोषांग का गठन किया गया है। इस कोषांग के तहत अगर समाहर्ता राजस्व जिला संघ के पदाधिकारी को भी इसमें शामिल किया गया है। बता दें कि पटना में 23 प्रमंडल, 1 नगर निगम और 12 नगर परिषद के साथ 4 नगर पंचायत और 1 छावनी परिषद को शामिल किया गया है। पटना जिला को लेकर जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस जिले में कुल 4000 से अधिक गणना खंड बनाया जाना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक सामान्य प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई खास गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, इसका अभी इंतजार है। हालांकि प्रशासन स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपके मन में अब यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह गणना होगी कैसे, तो आपको बता दें कि यह सब कुछ डिजिटली होगा, यानी कि प्रदेश में जातियों की गणना एंड्रॉयड फोन के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर एक ऐप का भी निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से हर घर में जाकर जाति आधारित गणना की जाएगी। साथ ही साथ जातियों के साथ साथ उपजातियों का भी गणना किया जाएगा। बता दें कि ऐप के माध्यम से होने वाली इस गणना को ठीक उसी समय अपडेट भी किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से बहुत ही आसानी से यह गणना करना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ इस बात का भी जानकारी हो जाएगा कि ब्लॉक में किस जाति के कितने लोग हैं। बता दें कि 700 से ज़्यादा की आबादी वाले इलाकों में गणना ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा की संख्या में अगर वहाँ पर लोग हैं तो वहाँ पर उप ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि बिहार में 2023 तक जाति आधारित जनगणना कर लिया जाएगा और एक अपडेट जो है 2023 तक हम लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।